ये छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने 7 जून 2018 को बनाई थी, जब हम लोग टट्टे जा रहे थे, जब कोटरी और हैदराबाद रेलवे ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने इंडस रिवर की ये क्लिप बनाई। आप इसमें देखेंगे कि ये रिवर तो किसी सूरत इसको हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ डस्ट उड़ रही है, और वो जो पानी है वो एक चूहड़ का पानी तो लग रहा है, किसी इंडस रिवर जैसे दरिया का पानी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। यहाँ से कोटड़ी से आगे आधा सिंध जो है ना वो आगे है, डिस्ट्रिक्ट बदीन, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, डिस्ट्रिक्ट ये सारे जो हैं कराची, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ से आगे हैं, जिससे इस दरिया से यहाँ से वो सैलाब होती है, वो पानी भी पीते हैं, मवेशी भी इन पे गुजरान करते हैं, और वो ज़मीनें भी सैलाब करते हैं, मगर यहाँ पानी ही नहीं है, आगे कुछ पानी नहीं जा रहा है। तो आजकल जो हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन है वो बंजर और वीरान पड़ी हुई है, यहाँ से सिर्फ डस्ट उठ रहा है। और हमारे साथ सफ़र करने वाला हमारा जो दोस्त था अमीन लाखों, वो साहब कह रहे थे कि रात को यहाँ की जो डस्ट है वो हमारे आँखों में आके पड़ती है। तो कालाबाग डैम बनाने वालों, ये है सिंध की सूरत हाल, पानी की बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं और आप कालाबाग डैम बनाने की बातें कर रहे हैं। भाई सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध में भी इंसान बसते हैं, उनके लिए भी आप सोचें। ज़मीन को भी पानी चाहिए, यहाँ के लोगों को भी पानी चाहिए, यहाँ के जानवरों को भी पानी चाहिए। डैम नामंजूर नामंजूर नामंजूर, अब आपको फैसला करना है कि कालाबाग डैम चाहिए पाकिस्तान। सिंध असेंबली ने कालाबाग डैम मंसूबे को 3 बार रद्द किया है, अब आप लोगों को फैसला करना है कि आपको कालाबाग डैम चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, दोनों में से एक फैसला आप कर लें।